Welcome friends, in today's session we will shift from the earlier phase of the discussion of polity and governance, the next important subject with respect to UPSC examination, that is geography. Geography or polity and governance में अगर हम difference करना चाहें तो पहले के जो topic हमने polity and governance में जो पढ़े जिसमें article 368 हो या article 15 हो, these things they are considered as most dynamic one. Which are very much linked with the current events. लेकिन ये जो geography जो second subject है आपके UPSC preparation में, इसमें जो topics आते हैं उसमें there is a mixture of static and dynamicity. तो ज़्यादा से ज़्यादा static and conceptual part जो है वो पहले हमें learn करना है. Conceptual part हमें समझने के बाद और ठीक से understand करने के बाद ही आप उसको link कर सकते हो dynamic issues से. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम geography में जो सबसे पहला वाला सेक्शन है जिसे कहा जाता है वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी. अभी वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी को मैं इतना क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ, क्योंकि आपका मेंस का जीएस पेपर वन हो या प्रीलिम्स के लिए जीएस पेपर वन हो, दोनों सेक्शन में वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी को एक्सप्लिसिटली यूपीएससी ने फोकस किया है. और वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी जो है इसमें जो कंपोनेंट आता है जिसमें सबसे पहला वाला कंपोनेंट मैं जिसे कहता हूँ जियोमॉर्फोलॉजी. अभी जियोमॉर्फोलॉजी मतलब क्या, व्हेन यू स्टडी द अर्थ एंड द रिलेटेड थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म लाइक लैंड फॉर्म्स, कॉन्टिनेंट्स, अगर आप इसका स्टडी करते हो तो उसे जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन में कंसिडर किया जाता है. तो ये पूरा सेक्शन जो है इसमें मैं आज जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो टॉपिक को बहुत ज़्यादा यूपीएससी ने इम्पोर्टेंस दिया है, कैसे, क्योंकि 2013 की अगर आप एग्जाम देखो मेन्स, इसमें भी इस पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है. उसके बाद 2017 की प्रीलिम्स में इस पर काफ़ी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं. इवन उसके बाद भी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम्स होती है उसकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पे भी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत बार क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं. तो आज हम वो टॉपिक जो है वो कौन सा टॉपिक है, कौन सी थ्योरी है जहाँ से आज हम इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी सब्जेक्ट को शुरुआत करने वाले हैं, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में से जियोमॉर्फोलॉजी में का ये सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक में कहूंगा, दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. अभी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक चीज तो हमें पता चल रही है, ड्रिफ्ट एंड कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट्स मतलब क्या, कॉन्टिनेंट्स जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स राइट जो अर्थ के सर्फेस पे जो है वो फैले हुए हैं, उनमें जो ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मतलब उनमें जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर्टिकुलर रीजन के लिए ये थ्योरी जो है ये दी गई है. और ये थ्योरी जिसने दी राइट उसके नाम से भी ये थ्योरी जानी जाती है. और ये थ्योरी जिसने दी, द वेल नोन ज्योग्राफिस्ट, द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अल्फ्रेड वैगनर. तो अल्फ्रेड वैगनर ने ये थ्योरी दी, इसलिए इस थ्योरी को वैगनर्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है. ये थ्योरी का मेन रिलेवेंस क्या है, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कॉन्टिनेंट, जैसे अर्थ जो है अभी हमें अर्थ के सरफेस पे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नजर आते हैं, तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स मतलब एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये कॉन्टिनेंट हमें पीसेस में नजर आ रहे हैं. लेकिन एक्चुअल में ये कॉन्टिनेंट ऐसे पीसेस में पहले नहीं थे, ये कॉन्टिनेंट ऐसे पीसेस में नहीं थे, तो एग्जैक्टली कैसा स्ट्रक्चर था राइट, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर था, तो ये बाद में अभी जो कॉन्टिनेंट्स मैंने नाम बताए वो कैसे बने, इसके रीजंस क्या है, और उसके साथ इस कॉन्टिनेंट्स पे आने वाले जो अलग अलग फिनोमिनॉन है जो हमें हमारे ह्यूमन सेटलमेंट से पूरी तरीके से लिंक है, जैसे अर्थक्वेक हो, वोल्केनिज्म हो, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स लाइक फोल्ड माउंटेन्स, इवन फॉर्मेशन ऑफ आर्किपिलागोस जिसको हम आइलैंड्स कहते हैं, तो ये अलग अलग जो लैंडफॉर्म जो सॉलिड फॉर्म में हमें नजर आता है ये कैसे बने, और अलग अलग ये ज्योग्राफिकल फिनोमिनॉन जो हमें दिखाई दे रहे हैं जो हमें बिल्कुल हमसे लिंक है, जैसे अर्थक्वेक हो या वोल्केनिज्म, ये होने के रीजंस क्या है, ये रीजंस वैगनर ने इस थ्योरी के रूप में देना चाहा. अभी पहली बात मैं ये क्लियर करता हूँ कि ये जो थ्योरी है पूरी तरीके से ज्योग्राफी की, अगर आप कोई भी थ्योरी पढ़ते हो तो ये पूरी तरीके से इट इज बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल एनालिसिस. एम्पिरिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन
राइट right? ये वैगनर जो थे इन्होंने अलग अलग ऑब्जर्वेशंस जो है उनके उनको एक साथ कलेक्ट किया और उसका एक पिक्चर बनाया, मतलब एक उसको हर एक फॉर्मेट में उसको लिंक किया और उससे उन्होंने एक थ्योरी बनाई और उसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ हिज अजम्पशन उन्होंने कहा कि इस तरीके से ये कॉन्टिनेंट्स बने होंगे और इसी तरीके से इस कॉन्टिनेंट में जो भी ड्रिफ्टिंग मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है। तो ये इस तरीके से मतलब किस तरीके से, वही वैगनर थ्योरी का मेन क्रक्स है, वही वैगनर थ्योरी का मेन कोर है। तो एग्जैक्टली वैगनर ने ये थ्योरी जो है ये 1912 में, राइट 1912 में ये थ्योरी को प्रपोज किया। और ये थ्योरी में जैसे मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द वैगनर पहले जो है जैसे अर्थ बनी, राइट 300 मिलियन ईयर्स एगो, तो उस टाइम अर्थ पे ऐसे कॉन्टिनेंट स्पीसीज में नहीं थे, राइट इट वॉज ओनली द सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट, सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था और उसका नाम, उसको नाम दिया गया पैंजिया। और ये पैंजिया जो है इट वॉज सराउंडेड बाय द सिंगल सुपर ओशियन एंड द नेम ऑफ द सिंगल सुपर ओशियन इट वॉज द पैंथालसा। अभी ये जो पैंथालसा हो या पैंजिया हो, ये इनमें जो है बाद में पीसेस जो है ये होने की शुरुआत हुई। ये पीसेस कैसे हुए, क्योंकि कोई भी अगर स्ट्रक्चर हो उसमें अगर पीसेस होते हैं तो सबसे पहला पार्ट उसमें क्या होता है, फोर्स। अगर मेरे हाथ में अगर ये पेन है, अगर मुझे इसको बिल्कुल दो पीस में डिवाइड करना है तो मुझे यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट फोर्स आई कैनॉट मेक दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इनटू द टू पार्ट्स। तो वैसे ही फोर्स इज द इसेंशियल पैरामीटर टू डिवाइड एनीथिंग। तो ये भी बात सामने आई कि वैगनर ने ये चीज तो कही कि पैंजिया और पैंथालसा जो है ये दोनों की पीसेस बनी और उससे ही आज के कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस जो है वो हमें नजर आते हैं। लेकिन ये क्यों बने, ये फोर्स कहां से आया, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन वैगनर जो है वो नहीं दे पाया शुरुआती फेज में। लेकिन बाद की फेज में उसने एक्सप्लेनेशन दिया लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया, वो भी हम आगे सेशन में जो है वो देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें पीसेस हुए, वो बिल्कुल इस ये पैंजिया जो है ये टूटा और टूटने के बाद जो ड्रिफ्टिंग उसमें हुई और जो अभी भी हो रही है, ये फिनोमिनॉन जो है ये पूरे वर्ल्ड को सबसे पहले देने वाला था वैगनर। इसलिए इस वैगनर थ्योरी को आपके सिलेबस के पर्सपेक्टिव से आप देखो या फिर आप ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखो, इस पर्टिकुलर थ्योरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात ये चीज तो हमें पहले ही समझ में आ रही है कि वैगनर ने पहली बात तो बता दी कि भाई पहले सबसे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया, वो पैंजिया को जो सराउंडिंग ओशियन था पैंथालसा, ये टूटे इनके पीसेस बने और उसके बाद अभी जो हमें कॉन्टिनेंट एंड ओशियन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो उस तरीके से बना। तो ये एग्जैक्टली ये प्रोसेस कैसे हुआ वही वैगनर ने एक्सप्लेन किया। लेकिन ये एक्सप्लेन करते समय वैगनर ने एक पर्टिकुलर थ्योरी का आधार लिया, एक पर्टिकुलर थ्योरी का सपोर्ट लिया, क्योंकि वैगनर को जो चीजें एक्सप्लेन करनी थी उसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें थी जो वैगनर को समझ में आ रही थी, लेकिन वैगनर ने, मैंने कहा ये एम्पिरिकल एनालिसिस था, वैगनर ने अलग अलग थ्योरी से अलग अलग जो ऑब्जर्वेशन थे उनको कलेक्ट करके ये पूरा थ्योरी बनाया, राइट। तो उसमें सबसे पहले वैगनर ने जो सबसे पहला सपोर्ट, सबसे पहला बेस जो है वो यूज किया, और वो यूज था कि एडवर्ड सुएस का जो क्लासिफिकेशन था विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इंटीरियर। देखिए जैसे वैगनर एक ज्योग्राफिस्ट थे, राइट, वैसे ही अल्फ्रेड वैगनर से ज्योग्राफिस्ट थे, वैसे ही एडवर्ड सुएस भी एक जियोलॉजिस्ट थे, राइट, और ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट जो है उनको कहा जाता है। और एडवर्ड सुएस ने भी एक इम्पॉर्टेंट जो फिनोमिनॉन है वो ज्योग्राफी में जो है वो दिया, और वो था दैट इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, राइट। ही क्लासिफाइड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कौन सी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में उन्होंने कहा कि अर्थ के अगर आप इंटीरियर को देखोगे तो अर्थ के इंटीरियर में जो तीन लेयर है, जनरल क्लासिफिकेशन में हमें बताया कि सबसे पहला लेयर आता है क्रस्ट, दूसरा आता है मेंटल, और सबसे अंदर वाला आता है उसे कहा जाता है कोर। लेकिन केमिकल क्लासिफिकेशन जो एडवर्ड सुएस ने दिया वो देते समय उन्होंने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है जिसमें सबसे पहले
उन्होंने कहा कि सबसे पहला वाला लेयर है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, मतलब अगर आप अर्थ के इंटीरियर में जाते हो, राइट, अगर आप अर्थ के इंटीरियर में जाते हो, तो अर्थ के इंटीरियर में अगर मैं ये स्ट्रक्चर निकालता हूं, राइट, दिस इज द अर्थ, राइट, अ स्फेरिकल शेप ग्लोब, अर्थ के इंटीरियर में जब आप अंदर जाते हो, तो व्हेन यू कवर द फर्स्ट 100 टू 200 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस, दिस पर्टिकुलर लेयर, राइट, दिस पर्टिकुलर लेयर, इट इज नोन एज क्रस्ट। इस लेयर को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है, राइट। वहां से आप अंदर जाते हो, राइट, द सेकेंड लेयर विच कम्स, राइट, दैट पर्टिकुलर लेयर इट इज कॉल्ड एज मेंटल, इट इज कॉल्ड एज मेंटल। एंड द थर्ड, जो सबसे अंदर का पार्ट जो है, राइट, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड दैट पर्टिकुलर पार्ट इट इज कॉल्ड एज कोर। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन में हमें पता है कि अर्थ को आप क्लासिफाई करते हो क्रस्ट में, मेंटल में और कोर में। तो उसमें जो एडवर्ड सुएस ने कहा, उसने कहा कि जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट में दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा पैमाने में पाए जाते हैं, इसीलिए हम उन एलिमेंट्स के बेसिस पे उस लेयर को नाम दे सकते हैं। तो उसमें जो दो एलिमेंट्स उसने कहे, वो था, पहला था सिलिका, राइट, एंड दूसरा एलिमेंट है उसे कहा जाता है एल्यूमिनियम। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर लेयर को कहा जाता है सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। उसके बाद आप अंदर, राइट, जब मेंटल में जाते हो, तो मेंटल में जाने के बाद द सेकेंड लेयर, राइट, आफ्टर द क्रस्ट, जहां पे दो एलिमेंट सिलिका एंड मैग्नीशियम ये पाए जाते हैं, इसलिए उसको नाम दिया गया साइमा। इसको सीमा भी कहते हैं, साइमा भी आप कह सकते हो। और सबसे अंदर जब आप सेंटर में जाते हो, तो सेंटर में जो दो एलिमेंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, दैट इज निकेल एंड आयरन, इसलिए इस लेयर को नीफे भी कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द एडवर्ड सुएस का अगर आप क्लासिफिकेशन देखते हो, तो उसके क्लासिफिकेशन से अर्थ के इंटीरियर को तीन लेयर में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला अपरमोस्ट इट इज कॉल्ड एज सियाल, राइट, देन मिडिल वन इट इज कॉल्ड एज साइमा, एंड सबसे अंदर वाला जो उसे कहा जाता है नीफे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, राइट, सियाल एंड साइमा क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन को एडवर्ड सुएस ने दिया, और इस क्लासिफिकेशन को बेस बना के अल्फ्रेड वैगनर ने अपनी थ्योरी को आगे जो है प्रोसीड किया। तो अल्टीमेटली यहां इसी इस फिगर में आपको वही दिखाई दे रहा है, सबसे अपरमोस्ट लेयर जो क्रस्ट है, राइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सियाल, राइट, देन साइमा एंड नीप है। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, एडवर्ड सुएस क्लासिफाई इंटीरियर ऑफ द अर्थ इनटू द थ्री लेयर्स। तीन लेयर्स में अर्थ के इंटीरियर को क्लासिफाई किया जा सकता है, सियाल, साइमा एंड नीप है। अभी ये पर्टिकुलर सियाल एंड साइमा, राइट, ये क्लासिफिकेशन जो है, इसको किस तरीके से अल्फ्रेड वैगनर ने वैगनर की कंटिनेंटल, उसकी खुद की कंटिनेंटल ड्रिप थ्योरी देने के लिए इस्तेमाल किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो यहां पे कनेक्शन है। एडवर्ड सुएस का क्लासिफिकेशन सियाल, सीमा, नीफे और कॉन्टिनेंटल ड्रिप थ्योरी ऑफ द अल्फ्रेड वैगनर, ये दोनों में काफी ज्यादा कनेक्शन है, और ये कनेक्शन हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि तभी आप अल्फ्रेड वैगनर थ्योरी को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो किस तरीके से सियाल एंड सीमा क्लासिफिकेशन को वैगनर ने यूज किया, तो इसके लिए सबसे पहले हमें और ज्यादा डिटेलिंग में जाना पड़ेगा सियाल और सीमा के क्लासिफिकेशन में। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। अभी एडवर्ड सुएस के क्लासिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सियाल एंड सीमा, राइट, तो उसमें ये आगे जाके ये चीजें भी सामने आई जब इसमें स्टडी हुआ, क्योंकि इन्होंने जब थ्योरीज दी है
तो ऐसा नहीं है कि ये थ्योरीज देने के बाद दूसरे जो ज्योग्राफिस्ट थे उन्होंने इस पे किसी भी तरीके का ओपिनियन नहीं दिया इसको। जब ये थ्योरीज आई इस पे बहुत डिटेल इसका एनालिसिस हुआ और उसके बाद ये सारे कंक्लूजन पे जो है ये सारे ज्योग्राफिस्ट आए और उसके बाद उसको यूनिवर्सल रिकग्निशन मिला, राइट। तो एग्जैक्टली ये क्या उसने एडवर्ड स्विस ने कहा, एडवर्ड स्विस ने कहा कि एक चीज तो हमें पता है, राइट, कि क्रस्ट होता है, राइट, जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है जिसे हम कहते हैं क्रस्ट, राइट, ये अपर मोस्ट लेयर जो है जो मैंने पहले बताई दिस लेयर इट इज कॉल्ड एज क्रस्ट, मतलब आप अर्थ के सरफेस से फर्स्ट 200 किलोमीटर के डिस्टेंस तक जाते हो तो उस पर्टिकुलर लेयर को कहा जाता है क्रस्ट। अभी ये जो क्रस्ट है इस क्रस्ट को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रस्ट, राइट, टू टाइप्स ऑफ क्रस्ट। पहला टाइप का जो क्रस्ट है उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अभी इसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्यों कहा गया है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, जिस क्रस्ट के ऊपर कॉन्टिनेंट है उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहा गया है, राइट। और दूसरा जो है इट इज कॉल्ड एज ओशियनिक क्रस्ट। अभी ओशियनिक क्रस्ट मतलब क्या, जिस क्रस्ट के ऊपर ओशियन है उसे ओशियनिक क्रस्ट कहा गया है। थोड़ा सा इसको विजुअलाइज कीजिए इस पर्टिकुलर डायग्राम में, अगर मैं इसको प्रेजेंट करता तो कैसे करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो है ये है कॉन्टिनेंट, राइट, और उसके बाद आता है ओशियन। हमें पता है कि जो अरेंजमेंट है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट, ये कैसी है, कॉन्टिनेंट ओशियन फिर वापस कॉन्टिनेंट ओशियन, इस तरीके से कॉन्टिनेंट के बाद ओशियन, ओशियन के बाद कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के बाद ओशियन, ओशियन के बाद कॉन्टिनेंट, ऐसी एक अरेंजमेंट जो है हमें अर्थ के सर्फेस पे दिखाई देती है। तो अभी वहां पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट मैंने रेड कलर में दिखाया है उस पर्टिकुलर पार्ट को अगर मैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहता हूं तो उस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे का जो हिस्सा है, मतलब इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के नीचे का जो पार्ट है क्रस्ट का, लाइक दिस, अगर मैं इसको इस तरीके से डार्क करता हूं तो इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या कहा जाएगा, इस पर्टिकुलर पार्ट को कहा जाएगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्योंकि इस पार्ट इस क्रस्ट के ऊपर क्या है, कॉन्टिनेंट है। और जिस पर्टिकुलर क्रस्ट के ऊपर ओशियन होता है उस पार्ट को कहा जाएगा ओशियनिक क्रस्ट। अगर मैं इतना हिस्सा जो है इसको डार्क कर रहा हूं मैं ब्लू कलर में, क्योंकि इसके ऊपर है ओशियन जो डॉट में मैंने दिखाया, तो ओशियन के नीचे जो क्रस्ट उसको ओशियनिक क्रस्ट कहा जाएगा, जो कॉन्टिनेंट के नीचे उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये कहा जाएगा। मतलब ये क्रस्ट जो है ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसमें भी दो टाइप्स है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है एंड दूसरा ओशियनिक क्रस्ट है। अभी ऑब्वियस है दो टाइप्स है तो दोनों में डिफरेंस भी होगा, तो दोनों का डिफरेंस ये है कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये साइज में थिक होता है, राइट, इट इज व्हाट, इट इज थिकर देन द ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर। थिकर मीन्स व्हाट, जो थोड़ा सा थिकनेस में ज्यादा है, एंड थिनर मतलब जिसकी बहुत कम है थिकनेस, थीन जो है इसलिए इसको थिनर कहा जाता है, थिकर एंड थीन। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को मैंने क्या कहा, ये थिक है, राइट, और ओशियनिक क्रस्ट को मैंने क्या कहा, ये थीन है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप वेट के पर्सपेक्टिव से जाते हो, अगर आप वेट के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो जो थिक है वो वेट में जो है इट इज व्हाट, इट इज लाइट, एंड जो थिन है इट इज वेट, अगर वेट में देखा जाए तो इट इज व्हाट, इट इज हेवियर। तो ये सबसे प्रोमिनेंट डिफरेंस है, हेवियर ये लाइटर, ये सबसे प्रोमिनेंट डिफरेंस है इन दोनों में, क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता है, राइट, ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं, कभी कभी ऐसे होता है कि अगर आप दो पर्टिकुलर पर्सन को कंपेयर करते हो, एक कोई पर्सन है जो थोड़ा ओबेज है, राइट, थोड़ा ओबेज है और दूसरा जो है वो थीन है, लेकिन दोनों के वेट अगर आप देखोगे तो शायद जो थीन है उसका वेट जो है कभी कभी ज्यादा भी आता है और जो ओबेज है उसका वेट जो है वो कभी कभी कम भी आता है। तो इसका मतलब क्या है कि सेम पैरामीटर से आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो कि ओशियनिक क्रस्ट जो है वो थीन है, ओशियनिक क्रस्ट इज थीकर देन द ओशियनिक क्रस्ट इज थी, ओशियनिक क्रस्ट इज थीनर एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, बट ओशियनिक क्रस्ट इज हेवियर एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सो दिस इज समथिंग द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, राइट। तो ओशियनिक क्रस्ट इज हेवियर एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज व्हाट, इट इज लाइटर। तो यहां पे एडवर्ड स्विस का क्या बोला था,
तो एडवर्ड सोयस ने जो सीआर एंड सीमा का क्लासिफिकेशन दिया उसमें एडवर्ड सोयस ने जो बातें बताई उसमें एडवर्ड सोयस कहता है कि ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो लाइट है और थिक है, दिस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्रोमिनेंटली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को आप सियाल कहोगे एंड दिस द ओशनिक क्रस्ट विच इज थीनर राइट एंड हेवियर इट कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, इसलिए उसको आप साइमा कहोगे। तो सियाल एंड साइमा ऐसे दो लेयर्स होते हैं, सियाल एंड साइमा। तो सियाल इज समथिंग विच इज लाइटर एज कंपेयर टू साइमा, क्योंकि सियाल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड साइमा इज अ पार्ट ऑफ ओशनिक क्रस्ट। तो ये दोनों जो इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स है सियाल एंड साइमा, इन दोनों ब्लॉक के बेसिस पे अल्फ्रेड वैगनर ने अपनी थ्योरी को जो है वो आगे प्रोसीड किया, क्योंकि सियाल एंड सीमा ये दो जो ब्लॉक है ये दोनों ब्लॉक की जो मूवमेंट हो रही है वही मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है जो अलग अलग फिनोमिनॉन आपको अर्थ के सरफेस पे होते हुए नजर आते हैं, जैसे वो अर्थक्वेक हो, वोल्केनिज्म हो राइट, या फिर फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स लाइक फोल्ड माउंटेन्स और इवन आइलैंड्स आर्किपिलागोस वो कैसे बने, ये सारी चीजें उसने एडवर्ड सुएस के सियाल एंड साइमा क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो है ये पूरे वर्ल्ड के लिए प्रपोज किए। तो अभी हम एग्जैक्टली देखते हैं कि ये कैसे हुआ, मतलब अल्फ्रेड वैगनर ने एडवर्ड सुएस की सियाल एंड सीमा क्लासिफिकेशन के बेसिस पे उसकी थ्योरी बताई और उसके बेसिस पे ये कॉन्टिनेंट्स बने और मूवमेंट हो रही है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की, बट एग्जैक्टली ये कैसे हुआ ये बहुत डिटेल में हम देखेंगे किस तरीके से वैगनर ने इन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया राइट। तो सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड वैगनर इट वॉज ओनली द सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया, सबसे पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया। ये पैंजिया जो है ये टूटा, ये पहले टूटा तो ये दो सेक्शन में टूटा राइट, नॉर्थ वाला सेक्शन एंड साउथ वाला सेक्शन। तो जो नॉर्थ वाला सेक्शन था उसको उसने नाम दिया लॉरेशिया एंड जो साउथ वाला सेक्शन था उसको नाम दिया उसने गोंडवाना। मतलब एग्जैक्टली ये जो पूरा पैंजिया है ये दो हिस्सों में बटा, मतलब अगर मैं उसको डायग्रामेटिक वे से प्रेजेंट करना चाहूं तो मैं इस तरीके से इसको प्रेजेंट करूंगा, मतलब लाइक दिस मैंने राइट इसको निकाला ऐसे, ये पूरा पैंजिया है और ये पैंजिया टूटा तो दो हिस्से में टूटा लाइक दिस, मतलब एग्जैक्टली नहीं बट इस तरीके से ये हुआ है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको नाम दिया गया लॉरेशिया राइट, और जो नीचे वाला ही हिस्सा है उसको नाम दिया गोंडवाना राइट, गोंडवाना राइट। तो लॉरेशिया एंड गोंडवाना ऐसे दो हिस्से, बड़े हिस्से बने और उसके बाद ग्रेजुअली सेपरेशन होता गया, फिर इस लॉरेशिया से नॉर्थ अमेरिका यूरेशिया बना और इस गोंडवाना से साउथ अमेरिका अफ्रीका एंड अंटार्कटिका बना। तो ये पूरी प्रोसेस कैसे हुई, ये टूटते गए लेकिन टूटते समय इनमें मूवमेंट भी हुई। देखिए जब जब मूवमेंट हुई क्योंकि ये सारे क्या थे कॉन्टिनेंटल, ये सारे कॉन्टिनेंट थे और कॉन्टिनेंट आया और उनके साइड में क्या है ये ओशियन, तो जैसे कॉन्टिनेंट टूटते गए राइट वैसे क्या हुआ वैसे ओशियंस के भी पार्ट्स जो है वो बनते गए। तो ये जो चीज है सियाल एंड सीमा ये यहीं पे आती है, क्योंकि कॉन्टिनेंट आया मतलब हमें पता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब सियाल एंड ओशियन आया मतलब ओशनिक क्रस्ट मतलब सीमा। तो सियाल एंड सीमा इन दोनों के बीच जो जो इंटरेक्शन हुई उससे ही आगे जो लैंडफॉर्म्स डेवलप हुए, आगे जो प्रोसेसेस हमें आज भी नजर आती है, फिर वो अर्थक्वेक हो या वोल्केनिज्म हो, इस सियाल एंड सीमा के जो मूवमेंट हुई उससे ही ये सब हो रहा है। और हमें पता है कि मूवमेंट जो है अगर मैं दो ब्लॉक सियाल हो सीमा हो ये दोनों ब्लॉक अगर मैं इस तरीके से विजुलाइज करता हूं तो दोनों में मूवमेंट कैसी हो सकती है, तो ये एक दूसरे के पास आएंगे राइट या एक दूसरे से दूर जाएंगे राइट, ये पास आते हैं तो हम उसे कॉम्प्रेसिव फोर्स कहते हैं राइट, और जब वो दूर जाते हैं उसको टेंसाइल फोर्स कहते हैं। तो ये दो फोर्सेस प्रोमिनेंटली एक्ट होते हैं राइट, कॉम्प्रेसिव टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव एंड टेंसाइल, और ये जो मूवमेंट है यही रिस्पॉन्सिबल है
अलग अलग लैंडफॉर्म्स जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स जैसे माउंटेन्स आइलैंड्स हो या फिर अलग अलग फिनोमिनॉन्स जो है ज्योग्राफिकल फिनोमिनॉन जो हमें जो बिल्कुल अर्थ के सरफेस पे फ्रिक्वेंटली जो है होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो या वोल्केनिज्म हो, ये होने के लिए सियाल एंड साइमा का मूवमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है अकॉर्डिंग टू द वैगनर। तो उसने जब ये सारी चीजें एक्सप्लेन की तो उस टाइम उसने जब एक्सप्लेन किया तो उसने जो फेजेस थी जिसको ज्योग्राफिकल स्केल भी कहा जाता है, मतलब मैंने पहले भी कहा कि एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि पैंजिया टूट गया और ये सारे कॉन्टिनेंट जो है, मैंने कहा कि एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये बन गए। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ये फेजेस में हुआ, राइट, ग्रेजुअली हुआ, स्लोली हुआ। तो ये इस पर्टिकुलर फेजेस को ज्योग्राफिकल फेजेस कहा जाता है। इसके लिए एक अलग ज्योग्राफिकल स्केल होती है। तो उसमें सबसे पहला वाला फेज था उसको कहा जाता है परमियन पीरियड। परमियन पीरियड मतलब क्या, 225 मिलियन ईयर्स एगो सबसे पहले ये प्रोसेस शुरू हुआ। 225 मिलियन ईयर के पहले ये पूरा प्रोसेस जो है ये शुरू हुआ। इसमें सबसे पहला पार्ट था पैंजिया, जो मैंने कहा पैंजिया सबसे पहले मौजूद था। उसके बाद तो सेकेंड फेज आया जिसको ट्रायसिक पीरियड भी कहा जाता है, 200 मिलियन ईयर एगो। इस पर्टिकुलर फेज में पहली एक्टिविटी हुई क्या, कि ये पर्टिकुलर पैंजिया है वो दो हिस्सों में जो है टूटा, दैट इज नॉर्थ साइड लॉरेशिया एंड साउथ साइड गोंडवाना। ये इस पर्टिकुलर ट्रायसिक फेज में हुआ। लेकिन जो थर्ड फेज आई जुरासिक फेज, इस जुरासिक फेज थी 135 मिलियन ईयर एगो। इस पर्टिकुलर फेज में क्या हुआ, ये पर्टिकुलर लॉरेशिया और गोंडवाना इसमें भी जो है पीसेस होना शुरू हुई, प्रोसेस शुरू हुई। उसके बाद की फेज थी जो क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता है, 65 मिलियन ईयर्स एगो। अभी इसमें क्या हुआ, इसमें जो मैंने पहले कहा कि लॉरेशिया से नॉर्थ अमेरिका हो, राइट, यूरेशिया हो, ये बना, राइट, उसके बाद साउथ अमेरिका गोंडवाना से बना, अंटार्कटिका बना। लेकिन हमें पता है कि यूरेशिया जो है ये पहले एक था, लेकिन अभी यूरोप एंड एशिया ये दो अलग जो कॉन्टिनेंट हो चुके हैं, मतलब धीरे धीरे ये एक्सपांड होते गया। मतलब पहले तो बना नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, फिर आगे जाके यूरोप से एशिया अलग हुआ। और इस तरीके से प्रेजेंट डे में आप देखोगे तो ये बिल्कुल फैल गए, एक्सपांशन मतलब ये एक दूसरे से दूर गए, मैंने कहा ड्रिफ्टिंग, राइट, ये एक दूसरे से दूर गए। तो यही जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट जो है ये क्यों हुई और कैसे हुई, यही बिल्कुल वैगनर ने एक्सप्लेन करना चाहा। तो एग्जैक्टली उसने क्या कहा, किस तरीके से ये मूवमेंट हुई होगी, राइट, तो सबसे पहले सियाल एंड साइमा का जो क्लासिफिकेशन है जो एडवर्ड सुरेश ने दिया, उसके बेसिस पे ही उसने एक एक प्रोसेस जो है ये एक्सप्लेन करना शुरू किया। तो उसमें सबसे पहले उसने कहा, राइट, कि अर्थ क्वेक्स जो है ये सरफेस पे क्यों आते हैं, कैसे आता है। दूसरा होल्केनिज्म जिसको हम ज्वालामुखी भी कहते हैं, ये अर्थ के सरफेस पे कैसे आते हैं, क्यों होते हैं। तीसरा सेगमेंट है फोल्ड माउंटेन्स, जो फोल्ड माउंटेन्स जो है, राइट, जैसे हिमालय इन द इंडिया, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो ये एग्जैक्टली कैसे बने हैं। एंड फोर्थ सेगमेंट जिसको कहा जाता है आर्किपिलागोस या उसको आइलैंड्स भी कहा जाता है, ये आइलैंड्स कैसे बने हैं, ये प्रोसेस जो है बिल्कुल एक्सप्लेन किया वैगनर ने। तो एग्जैक्टली ये उसने कैसे एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थक्वेक के बारे में, हम इसी सीरीज में देखेंगे अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बाद हम देखेंगे वोल्केनिज्म, फोल्ड माउंटेन्स एंड देन फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड्स और आर्किपेलागोस। तो एग्जैक्टली ये प्रोसेस कैसे हुआ, तो सबसे पहले हम अर्थक्वेक के बारे में देखते हैं। तो अर्थक्वेक जो है, ये जो दोनों क्लासिफिकेशन है जिसमें एडवर्ड सुएस ने दो ब्लॉक्स का है, पहला जो है जिसे कहा जाता है सियाल, राइट, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, जिसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी नाम दिया गया। उसके बाद दूसरा जो ब्लॉक है इसे कहा जाता है साइमा, राइट, सिलिका एंड मैग्नीशियम, राइट, सिलिका एंड मैग्नीशियम, सियाल एंड साइमा। अभी मैंने ये दोनों ऐसे दिखाया, तो ये दोनों में क्या है कि मैंने जैसे कहा कि विदाउट फोर्सेस ये एक्शन नहीं हो सकता, तो वैगनर कहता है कि ये सियाल जो है और सीमा जो है ये एक दूसरे पे मोर है, लाइक सियाल इज फ्लोटिंग ऑन द साइमा, सियाल जो है ये साइमा पे जो है फ्लोट कर रहा है,
राइट, क्योंकि सियाल जो है ये क्या है, ये लाइटर है राइट, इसलिए उसको बायोन्ट ऐसा वर्ड भी यूज किया गया, बायोन्ट मतलब लाइटर राइट, जो बिल्कुल इसके ऊपर है, फ्लोट कर रहा है और सिग्मा नीचे है। तो दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में मूवमेंट हो रहा है। अगर मूवमेंट हुआ मतलब क्या हुआ, मैं उसको उस मूवमेंट को क्या कह सकता हूं, फ्रिक्शन राइट, फ्रिक्शन। और अगर फ्रिक्शन हुआ तो हमें पता है कि सियाल हो, सियाल के ऊपर कॉन्टिनेंट्स है, सीमा के ऊपर ओशियन है, अगर फ्रिक्शन हुआ तो क्या होगा, वाइब्रेशंस होंगे, वाइब्रेशंस होंगे तो इंटीरियर में जो रॉक है इट गेट ब्रेक डाउन, और अगर वो टूटा तो वहां से जो वेव्स जनरेट होगी, दीज वेव्स विल ट्रैवल ऑल अराउंड इनसाइड द अर्थ, वो ट्रैवल करेगी और ट्रैवल करते करते वो सरफेस पे भी आएगी, और सरफेस पे आने के बाद वो वाइब्रेशंस जो है ये पूरी जो ऊपर सेटलमेंट है, स्पेसिफिकली ह्यूमन सेटलमेंट, उसको सबसे ज्यादा हैम्पर करेगी। और ये प्रोसेस जो हो रहा है, अर्थक्वेक जो आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द वैगनर, सियाल और सीमा के मूवमेंट से ही आ रहे हैं। मतलब वैगनर का कहना है कि सियाल और सीमा, ये जो दो ब्लॉक है जो एडवर्ड सुएस ने दिए, ये दोनों ब्लॉक में अनस्टेबिलिटी है, ये दोनों मूव हो रहे हैं उसके वजह से ही अर्थ के सर्फेस पे आपको अर्थक्वेक जो है वो फ्रिक्वेंटली हमें फील होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, मैंने कहा द एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ वोल्केनिज्म। अभी वोल्केनिज्म के बारे में भी क्या कहा उसने, सेम फिनोमिनॉन जो है उसने एक्सप्लेन किया कि ये जो सियाल है राइट, दैट इज सिलिका एंड एल्युमिनियम, जिसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी कहते हैं, एंड दूसरा जो जो ब्लॉक है जिसे हम कहते हैं साइमा राइट, दैट इज सिलिका एंड मैग्नेशियम, ये दोनों जो है एक ये क्या हो रहा है, ये मूव हो रहे हैं, दोनों के बीच में जो है मूवमेंट है राइट, तो टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव फोर्स जो है ये कंसिस्टेंटली इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये फोर्सेस कहाँ से आए हैं, कैसे यूज हो रहे हैं, ये उसने एक्सप्लेन नहीं किया, ही डिड नॉट एक्सप्लेन दैट पार्ट, लेकिन मूवमेंट है ये उसने बताया। अभी सियाल और सीमा के बीच में जो सेकेंड मूवमेंट है उसमें क्या हुआ, वो कहता है कि जिस तरीके से ये मूवमेंट हो रहा है फ्रिक्शन के वजह से, वो कह रहा है यहाँ पे फ्रिक्शन होने से यहाँ पे देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ सम स्पेस। देखिए जैसे ऐसे फ्रिक्शन हो रहा है तो फ्रिक्शन से इन दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस गैप डेवलप हुआ, और अंदर अर्थ के इंटीरियर में जो मैग्मा है, मैग्मा मींस व्हाट, हॉट मोल्टन सेमी मोल्टन मिक्सचर ऑफ रॉक्स राइट, व्हिच इज प्रेजेंट इन अ सेमी सॉलिड फॉर्म राइट, मैग्मा जब वो अर्थ के ऊपर आता था तो उसे हम लावा कहते हैं, व्हेन इट कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये मैग्मा या लावा, तो अंदर है जब तब उसे क्या कहा जाता है, मैग्मा राइट। और ये जो मैग्मा है, जब ये बीच में मैंने रेड कलर में गैप बताया, स्पेस जो डेवलप हुआ, वहां से स्लोली स्लोली ये मैग्मा जो है ये ऊपर आने लगा, और ये जब ऊपर आया इट गेट इरप्टेड, ऐसे वो इरप्ट हुआ, और जब ये ऊपर इरप्ट होता है तब उस पर्टिकुलर सेम मैग्मा को लावा कहा जाता है। देखिए लावा एंड मैग्मा बोथ आर द सेम थिंग, जब वो ऊपर आता है तब उसे लावा कहा जाता है, और जब वो अंदर होता है अर्थ के तो उसे मैग्मा कहा जाता है, सिर्फ डिफरेंस कहां पे, लोकेशन पे, सेम थिंग, द मैग्मा व्हेन इट इज इनसाइड द अर्थ एंड व्हेन दैट मिक्सचर कम्स आउटसाइड द और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज कॉल्ड एज लावा। मतलब एक ही मिक्सचर है, उसको दो अलग अलग नाम है बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। जैसे आप एग्जांपल अगर लेते हो, जैसे वेस्टर्न घाट, हमें पता है इंडिया में वेस्टर्न घाट जो है, इंडिया में वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है राइट, और अगर आप वही केरला में उस एक्सटेंशन में जाते हैं तो उसको मालाबार भी कहा जाता है। तो अल्टीमेटली द सेम रेंज कैन बी नेम्ड बाय द डिफरेंट नेम्स बेस्ड ऑन द लोकेशन। तो वैसे ही इसको मैग्मा भी कहा जाता है और उसको लावा भी कहा जाता है। तो ये जब ऊपर आया तो उसे लावा कहा गया, और इस ये जब इरप्ट होता है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं वोल्केनिज्म। तो अल्टीमेटली अगर आप वैगनर के व्यू से अगर जाते हो तो अर्थ के सरफेस पे जो वोल्केनोज आ रहे हैं, ये आने का रीजन क्या है, ये आने का रीजन है सियाल और सीमा के बीच जो मूवमेंट हुआ, इससे फ्रिक्शन की वजह से जो स्पेस डेवलप हुआ वहां से ये मैग्मा बाहर आया इन द फॉर्म ऑफ लावा, और वही इरप्शन हमें सरफेस के ऊपर जो वो दिखाई देते। मतलब वैगनर कहता है कि जो वोल्केनिज्म सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे जो ज्वालामुखी हमें दिखते हैं, वो दिखाई देने की जो वजह है, जो रीजन है, सियाल और सीमा के बीच जो मूवमेंट हुआ है उसके वजह से ही ये मूवमेंट, ये वोल्केनिज्म जो है वो हमें नजर आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी सियाल और सीमा के मूवमेंट को ही बेसिकली फोकस किया गया है।
राइट। एंड तीसरा जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो है जो वैगनर ने एक्सप्लेन करना चाहा, एंड दैट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। अभी फोल्ड माउंटेन्स मतलब क्या, जो माउंटेन्स में फोल्ड नजर आते हैं लाइक दिस, उन्हें फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है लाइक दिस। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं उसको राइट लाइक दिस, तो उन्हें क्या कहा जाता है, फोल्ड माउंटेन्स। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो थोड़ा फैमिलियर है वो है हिमालय, राइट। तो हिमालय जो है ये सबसे नजदीक एग्जाम्पल है हमारे लिए, लेकिन इसके अलावा भी आप देखोगे तो वर्ल्ड में फोल्ड माउंटेन्स है। जैसे अगर आप देखोगे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज राइट, देन द फोल्ड माउंटेन्स लाइक ज़ीलान फोल्ड माउंटेन्स इन द स्वीडन नॉर्वे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया राइट, दीज आर समथिंग, रॉकीज एंडीज नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। तो ये जो फोल्ड माउंटेन्स है ये फोल्डिंग की प्रोसेस ऑब्वियस है। यहाँ पे हमें फोल्ड नजर आ रहे हैं, मतलब क्या है, फोल्ड मतलब फोर्स, कॉम्प्रेसिव फोर्स इसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि अगर मैं इस पर्टिकुलर प्लेन को दोनों साइड से द फोर्स विच कम्स टूवर्ड्स ईच अदर, तभी इसमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब ये थोड़ा विस्कस है, कुछ विस्कोसिटी है, तभी इस पर्टिकुलर जो जो मटेरियल है इसमें फोल्ड्स डेवलप हो सकते हैं। तो ये फोल्ड उसी तरीके से डेवलप हुए, कॉम्प्रेसिव फोर्स जो है वो काम कर रहे हैं। तो अभी इसमें सीआर और सीमा का कैसे रोल है, तो ये वैगनर थ्योरी के हिसाब से अगर आप जाते हो, तो अगर मैं वापस से सीआर एंड सीमा का जो है फ्रिक्शन को अगर मैं विजुअलाइज करता हूं लाइक दिस, सीआर एंड सीमा, तो वैगनर थ्योरी से जाते हो तो सीआर एंड सीमा में दोनों में मूवमेंट है। अब ये मूवमेंट से यहां इस पर्टिकुलर जगह पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। अभी फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो सियाल है, सियाल इज स्क्रैपिंग द सीमा। स्क्रैपिंग मतलब क्या है कि वो घिस रहा है, और घिसने से क्या हो रहा है कि सीमा से जो मटेरियल है लाइक स्क्रैप मटेरियल राइट, ऐसे इसे क्या कहोगे आप, स्क्रैप मटेरियल, स्क्रैप, ये स्क्रैप मटेरियल जो है ये दोनों के बीच में आ रहा है। और ये स्क्रैप मटेरियल जो दोनों के बीच में है, और दोनों सीआर और सीमा जो है ये बहुत बड़े ब्लॉक्स है, ये मोर है, और इन दोनों मोमेंट की वजह से इस स्क्रैप मटेरियल जो है, सीमा से निकला हुआ मटेरियल, इस पे कॉम्प्रेसिव फोर्स जो है वो एग्जर्ट हुआ, और उसके वजह से ये बीच का मटेरियल है ये बाहर आ गया लाइक दिस। और बाहर आने के बाद मैंने बताया कि कॉम्प्रेसिव फोर्स की वजह से लाइक दिस ये मटेरियल जो है ये अर्थ के सरफेस पे अरेंज हो गया, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स, और उसी को फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर फोल्ड माउंटेन का जो नोशन है, जो वैगनर से हमें पता चलता है, इसको बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस कैसे मिला, क्योंकि ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिटली सामने आया, वो क्या है, देखिए मैंने कहा कि सीमा जो है इट इज व्हाट, ओशियनिक क्रस्ट राइट, एंड सीआर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो आप जो जब ये फोल्ड माउंटेन जो ऊपर बने हैं, इन फोल्ड माउंटेन के अंदर का जो मटेरियल है उसको जब बिल्कुल पढ़ा गया, तो तब इवैल्यूएट किया गया, तब ध्यान में आया कि इस पर्टिकुलर अंदर जो मटेरियल है, दिस मटेरियल हैव द सेडिमेंट्स ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म। तो सेडिमेंट्स ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म मतलब रिमेनिंग्स ऑफ द मरीन ऑर्गेनिज्म, मतलब जो समुन्द्र में रहने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स है, प्राणी जो है उनके फॉसिल्स जो है वो वहां मिले। तो इससे एक चीज समझ में आए कि यहाँ पे अगर ये फोल्ड माउंटेन के अंदर आपको वो सेडिमेंट्स मिल रहे हैं, तो इससे एक चीज जो है ये कंफर्म हो रही है कि कभी ना कभी यहाँ पे ओशियन था, कभी ना कभी कोई ना कोई रिलेशन ओशियन से होना ही चाहिए, क्योंकि तभी ओशियन जो मरीन ऑर्गेनिज्म है उनके फॉसिल्स वहां पे मिल सकते हैं। और इस पर्टिकुलर चीज का कंफर्मेशन कहां से हुआ, यहां से, क्योंकि ये सीमा से स्क्रैप हुआ हुआ मटेरियल है। अगर सीमा से हो रहा है और सीमा हमें पता है कि इट्स अ ओशियनिक क्रस्ट, मतलब कहीं ना कहीं ओशियन से जो ओशियनिक क्रस्ट से जो मटेरियल बाहर आया, मतलब कहीं ना कहीं यहां ओशियन था, और यही सीमा जो है ये सियाल और सीमा के बीच में मूवमेंट हुआ होगा, इसीलिए हमें यहां पे मरीन ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स मिल रहे हैं। मतलब यहां से कहीं ना कहीं जो वैगनर थ्योरी में कहा गया कि मरीन ऑर्गेनिज्म के फॉसिल जो है वो हमें मिल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं सियाल इज स्क्रैपिंग द सीमा,
मतलब सियाल सीमा को स्क्रैप कर रहा है, ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं कंफर्म होती है, राइट। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये थ्योरी में जो एक्सप्लेन किया है वैसे बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो चीजें हुई जो जैसे हो रही है मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप विजुलाइज कर सको, लेकिन आगे जाके इसमें बहुत सी चीजें जो है वो बदली, क्योंकि इस थ्योरी के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, प्रोज एंड कॉन्स हर थ्योरी को होते और इस थ्योरी को भी थे, और ये ड्रॉबैक्स आगे जाके ओवरकम किए और आगे की थ्योरीज आती गई जो आपकी यूपीएससी की सिलेबस में जो हम आगे के सेशंस में देखेंगे। लेकिन इस थ्योरी के बारे में बात करें तो जो वैगनर ने कहा वो कहीं ना कहीं हमें सही नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें मरीन ऑर्गेनिज्म के सेडिमेंट्स मिल रहे हैं और सीमा जो है वो भी ओशनिक क्रस्ट है, तो ये कहीं ना कहीं मैच हो रहा है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये था जहां पे ये सपोर्ट कर रहा है वैगनर के थ्योरी को कि अगर ये फोल्ड माउंटेन्स बने, तो मैंने यहाँ पे ये फोल्ड माउंटेन्स दिखाए, तो ये कहीं ना कहीं सियाल और सीमा के क्या कहां पे बाउंड्री पे बनने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल कॉम्प्रेशन जो है ये बाउंड्री पे हुआ है, तो ये बाउंड्री पे ही बनने चाहिए। और जो जो फोल्ड माउंटेन्स अभी नजर आ रहे हैं मैक्सिमम राइट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दे आर प्रेजेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सियाल एंड सीमा और ऑन द बाउंड्री ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। और ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा अर्थ के सर्फेस पे फोल्ड माउंटेन्स नजर आ रहे हैं वो ऑन द बाउंड्री ऑफ व्हाट द ओशियन एंड कॉन्टिनेंट ही है। इस पर्टिकुलर माउंटेन्स में अगर आप जाओगे लाइक राइट द फोल्ड माउंटेन्स, तो रॉकीज हो नॉर्थ अमेरिका में, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। एंडीज हो साउथ अमेरिका में, इवन अगर आप एटलस अफ्रीका में देखोगे राइट दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, मतलब एज पर द एजम्पशन ऑफ वैगनर दे आर ऑन द बाउंड्री ऑफ सियाल एंड सीमा। इवन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड जेलान माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप जो स्वीडन नॉर्वे में जो है दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल से इस पर्टिकुलर वैगनर की थ्योरी को एक्सेप्टेंस मिला कि जो वैगनर ने कहा शायद वो वैसे ही हुआ होगा, क्योंकि अभी भी हमें ये माउंटेन रेंज जहां नजर आ रहे हैं वो दोनों ओशियन एंड कॉन्टिनेंट के बाउंड्री पे है, वो सियाल एंड सीमा के बाउंड्री पे है। तो इसीलिए जो वैगनर ने कहा कि सियाल सीमा को स्क्रैप कर सकता है वहीं से ये सारी चीजें हो सकती है, तो ये पर्टिकुलर मोशन को जो है सपोर्ट यहां से मिल सकता है। तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है हम वैगनर थ्योरी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वैगनर का जो 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 जो, जो थ्योरी था उसमें ये फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन जो इस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद का जो पार्ट है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन, द लास्ट पार्ट जो वैगनर के थ्योरी से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो है फॉर्मेशन ऑफ आर्किपेलागोस। अभी आर्किपेलागोस मतलब क्या, आर्किपेलागोस को हम कहते हैं आइलैंड्स, राइट आइलैंड्स और आर्किपेलागोस। तो आइलैंड्स और आर्किपेलागोस की फॉर्मेशन प्रोसेस भी सेम उसी तरीके से है जैसे फोल्ड माउंटेन हो या फिर वोल्केनिज्म हो या फिर अर्थक्वेक की प्रोसेस है। मतलब यहां पे भी कहीं ना कहीं सियाल राइट और सीमा के बीच में होने वाला जो फ्रिक्शन है वही रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई है। एक तो यह है कि सियाल और सीमा मूव हो रहा है लाइक दिस, मतलब वो एक दूसरे पे मूव हो रहा है और दे आर ऑल्सो मूविंग एट पर्टिकुलर साइड लाइक दिस, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर भी मूव हो रहे हैं और दे आर बोथ आर मूविंग एट पर्टिकुलर साइड। जैसे अर्थ का अर्थ के बारे में अगर आप देखते हैं कि अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड इवन अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑल्सो, तो अर्थ में दो मूवमेंट है राइट वो खुद भी खुद के एक्सिस से मूव हो रही है और उसके साथ वो सन के अराउंड भी मूव हो रही है। वैसे ये तो दोनों मूवमेंट है सियाल एंड सीमा, दे आर मूविंग लाइक दिस एंड इवन दे आर मूविंग बोथ आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डिरेक्शन। तो ये जब अगर इस पर्टिकुलर डिरेक्शन में अगर मूव हो रहा है तो इसमें कहा जाता है कि ये जो पीछे वाला मतलब ये डिरेक्शन अगर है मतलब ये यहां से यहां जा रहा है, मतलब आप कह सकते हो कि ये पहला वाला पार्ट जो है ये सियाल का आगे का पार्ट है और ये पीछे वाला पार्ट है, मतलब इसको टेलिंग एज कहा जाता है राइट। जो पीछे वाला पार्ट है दिस वन राइट, इसको क्या कहा जाएगा टेलिंग एज राइट। और ये आगे वाला जो पार्ट है सीमा का, क्योंकि जब आप मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये ऐसे मूव रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आगे का फ्रंट पार्ट सियाल का है और ये पीछे का है इसलिए टेलिंग एज, और सीमा का जो है
वो फ्रंट पार्ट जो है मतलब ये लीडिंग एज, इसको क्या कहेंगे आप, लीडिंग एज जो आगे का है, तो लीडिंग एज ऑफ साइमा और सीमा एंड टेलिंग एज ऑफ सियाल, इन दोनों के बीच में जो मूवमेंट हुआ इससे क्या हुआ, सेम ये मटेरियल ओशियन से जो है स्क्रैप हुआ, ये बाहर आया और जो मटेरियल बाहर आया ये इन दोनों के बीच में ही अरेंज हो गया, मतलब they get that scrap material from the seema, it get settled between these two, और इस ये दोनों के बीच में जो material जो है वो set हो गया, ये बीच में ocean है, तो उस particular material को archipelagos या island कहा जाता है। इसीलिए अगर आप islands देखोगे तो कहीं ना कहीं island जो है ये continent के पास में ही पाए जाते हैं, ocean और continent, islands तो ocean में होते हैं लेकिन continent के पास ही पाए जाते हैं, क्योंकि अगर आप इस particular theory के हिसाब से जाते हो तो कहीं ना कहीं प्रोसेस अगर ऐसे हुआ होगा तो इसीलिए ये बीच में हमें ये आइलैंड जो है वो पैचेस में पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से ये आइलैंड जो है ये बने होंगे, इस तरीके का एक्सप्लेनेशन जो है इस पर्टिकुलर थ्योरी में दिया गया, राइट। तो अगर आप उसके एग्जांपल्स देखते हो राइट आर्किपेलागोस के, तो मादागास्कर राइट आइलैंड जो है वो भी इसी तरीके से सियाल एंड सीमा से बना होगा, ऐसे वैगनर के अजम्पशन से कहा जाता है, राइट। ये देखिए जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी थ्योरी के बेस पे है, इसमें हमारा खुद का पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है, जो भी है थ्योरी के बेस पे जो कहा गया, क्योंकि आगे जाके इसमें डेवलपमेंट हुआ है, तो आगे हम जब कोई भी थ्योरी जब आप पढ़ते हो तो उस थ्योरी को वैसे ही पढ़ो जैसे उस थ्योरी में कहा गया है, तो वो थ्योरी आपको वैसे समझ में आती है। बाद में उसमें जो डेवलपमेंट्स हुए वो उसके उसके ड्रॉबैक्स को जो भी ड्रॉबैक्स होंगे उस ड्रॉबैक्स को ओवरकम करके फिर नेक्स्ट थ्योरी में उसको अपडेट किया गया। तो अभी यहाँ पे ये कहा गया कि मादागास्कर आइलैंड्स हो, आर्किपेलागोस हो, या फिर कैरिबियन, कैरिबियन जो है बहुत फेमस आइलैंड्स है राइट, जिनको वेस्ट इंडीज के आइलैंड्स भी कैरिबियन में आते, अभी जो T20 का वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो इसी इन्हीं आइलैंड्स पे जो होने वाला है, जो जून 2024 में होने वाला है। तो ये कैरिबियन आइलैंड जो है ये भी सियाल एंड सीमा का जो प्रोसेस है जो वैगनर के अजम्पशन से कहा गया है उससे हुआ है ऐसे कहा जाता है। उसके बाद इंडोनेशियन आइलैंड हो या फिलीपींस आइलैंड हो, तो ये ओवरऑल अगर आप प्रोसेस देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज तो समझ में आ रही है कि वैगनर ने इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले वर्ल्ड के सामने ये सारी चीजें रखी। देखो यहाँ पे हमें काफी चीजें जो है वो इनकंसिस्टेंट नजर आ रही है राइट। ये चीजें हमें इनकंसिस्टेंट क्यों नजर आ रही है, क्योंकि हमें हम आगे अभी आगे की थ्योरीज को भी जब हम पढ़ते हैं तो उसके बेसिस पे हमें समझ में आता है, क्योंकि ये जो वैगनर थ्योरी आई है ये 1912 में आई है राइट, और अभी 2023 आया है, तो 1912 में सबसे पहले ये थ्योरी उसने दी, क्योंकि इसके पहले किसने काम किया ही नहीं था। इसके पहले जो थ्योरी थी वो थ्योरी ऑफ परमानेंसी, थ्योरी ऑफ परमानेंसी में एक चीज कहा गई कि जो भी है वो परमानेंट है, वो ऐसे ही है जैसे अर्थ बनी, ये सब कुछ वैसे ही था। मतलब जब जो भी कॉन्टिनेंट्स हमें नजर आते हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप राइट, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अर्थ जैसे बनी वैसे ये सारे बन गए। लेकिन आगे जाके वैगनर जो था ये पहला इंसान था कि उसने चैलेंज किया थ्योरी ऑफ परमानेंसी को, कहा कि नहीं ये ऐसा हुआ नहीं है, और सबसे पहला अटेम्प्ट उसका था कि उसने ये चीजें जो है इसको ठीक से स्टडी किया, इम्पीरिकल एनालिसिस जैसे मैंने कहा सारे ऑब्जर्वेशन में हो गया, और उसके बाद सबसे पहले उसने ये पर्टिकुलर थ्योरी जो है वो पहले पूरे वर्ल्ड को दी। इसीलिए इस पर्टिकुलर थ्योरी को आप फाउंडिंग थ्योरी भी कह सकते हो, क्योंकि सबसे पहले उसने ये चीजें जो है ये पूरे वर्ल्ड के सामने जो है वो रखी कि जो भी हो रहा है ये ऐसे नहीं है कि एकदम से हुआ है, ये फेजेस में हुआ है, और जो भी हो रहा है उसमें मूवमेंट है, इसीलिए ये मूवमेंट के वजह से ही हमें ये सारे जो अलग अलग फिनोमिनन, मतलब अर्थक्वेक हो या फिर वोल्केनिज्म हो एंड इवन फोल्ड माउंटेन्स कैसे बने होंगे, ये सारी चीजें उसने एक्सप्लेन की। लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा कि ये पहली थ्योरी थी, इसीलिए इस पर्टिकुलर थ्योरी को आप कह सकते हो कि इसको सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस मिला, क्योंकि इसके पहले किसी ने ये चीज को एक्सप्लेन भी नहीं किया था। लेकिन अगर ये एक थ्योरी है अजम्पशन के बेसिस पे, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स भी सामने आए,
ये ड्रॉबैक्स जो सामने आने के बाद फिर इस पे भी डिस्कशन हुआ और इसके बेसिस पे फिर इसमें अपडेशन हुआ और उसमें फिर बाद में नेक्स्ट थ्योरी आई, दैट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो वो जो डिस्कशन है हम अगले बिल्कुल सेशन में करेंगे। तो यहाँ पे हम ये जो क्रक्स ऑफ दी कॉन्टिनेंटल ड्रिप थ्योरी जो है हमने आज डिस्कस किया, अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे इसके ड्रॉबैक, इसका हम इवैल्यूएशन करेंगे, द ओवरऑल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द वैगनर थ्योरी, एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट थिंग।